अगले दिन एंजू टूचिडा से अपने प्यार का इजहार करती है। टूचिडा के ना कहने पर वह कहती है कि क्या एज गैप इतना मैटर करता है, तुम्हें नहीं पता प्यार का उम्र से कोई वास्ता नहीं होता। टूचिडा कहता है वह सब तो ठीक है, पर तुम एक किंडरगार्टन की बच्ची हो। इसे सुन एंजू को काफी बुरा लगता है। वह रोते हुए कहती है कि तुम कितने बुरे हो, तुम्हें लड़कियों के फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। इधर एंजू के दोस्त उन दोनों को झगड़ते हुए देख रहे होते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। लंच ब्रेक के दौरान एंजू काफी मायूस होती है। उसे उदास देख कौमी पूछती है कि एंजू तुम्हें क्या हो गया। एंजू कहती है कि मैंने तुच्ची को फिर से डेट के लिए पूछा था, पर उसने फिर से इनकार कर दिया। दूसरे बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सच में सेंसेई को लव कन्फेस कर दिया। एंजू कहती है कि मुझे पता है सेंसेई मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शर्मिले होने की वजह से वे जाहिर नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ही पहल कर दी। बच्चे इसे सुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर एंजू कहती है कि प्यार एक दर्द है, जितना ज्यादा प्यार बढ़ता जाएगा तन्हाई का दर्द भी उतना ही ज्यादा होगा। इधर बच्चे झुंड बनाकर एंजू की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, और उधर तुच्ची उनको देखते हुए सोचता है कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ सेंजी और उसका दोस्त वीडियो गेम की बातें करने लगते हैं, जिस पर तुच्ची दौड़कर उनके पास जाता है और बहुत एक्साइटेड होते हुए उनके साथ उस गेम से संबंधी बातें करने लगता है। इसे देख एंजू काफी खुश होती है और कहती है कि तुच्ची भी बिल्कुल बच्चे जैसा ही है। तभी वहाँ यामामोटो सेंसेई आती है। उसने तुच्ची के फटे हुए एप्रन को सी दिया है। उसे देख तुच्ची काफी ज्यादा खुश होता है और दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं। पर एंजू को उसका यामामोटो सेंसेई के साथ हंसते हुए बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों को लगता है कि कहीं तुचिडा सेंसेई यामामोटो सेंसेई को प्यार तो नहीं करते, उन्हें दाल में कुछ काला लगने लगता है। तभी एंजू तुच्ची के पास जाती है और उसके बॉडी पर चढ़ते हुए कहती है कि तुच्ची मुझे लाइक करता है। तुच्ची उसे नीचे उतारता है, वह बार बार उसके ऊपर चढ़ने लगती है और तुच्ची भी उसे बार बार उतारते रहता है। उन दोनों को बार बार ऐसा करते देख यामामोटो को काफी अच्छा लगता है और वह मैं भी यह गेम खेलूंगी कहकर तुच्ची के ऊपर कूद जाती है और वे तीनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। भले ही तुच्ची को चोट लगती है पर उसे इस सब में काफी मजा आया। पर इधर एंजू अब टेंशन में है, उसे कुछ करना ही होगा। बाद में हिरागी एंजू को गाइड करते हुए उसे ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में समझाने लगती है। उसके कैलकुलेशन के अनुसार उनके बीच लव ट्राइंगल है। कॉमी पूछती है कि ये लव ट्राइंगल क्या है। हिरागी कहती है कि यह अडल्ट्स की कॉम्प्लिकेटेड रोमांटिक रिलेशनशिप है। अडल्ट सुनते ही एंजू काफी खुश हो जाती है और कहती है कि वाओ मैं बड़ी हो गई हूँ। उसे देख हिरागी सोचती है कि इसमें खुश होने वाली क्या बात थी। इधर तुच्ची अभी भी यामामोटो का उसके ऊपर कूदने वाली बात को सोच काफी खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि यामामोटो भी उससे प्यार करने लगी है, लेकिन तभी वो खुद के बारे में सोचता है और कहता है कि वो मुझ जैसे लड़के के साथ क्यों प्यार करेगी। इधर एंजू और उसके दोस्त तुच्ची को अट्रैक्ट करने के तरीके ढूंढने लगते हैं और कई सारी मैगजीन्स पढ़कर इसे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, पर वे इस पे सक्सेस नहीं हो पाते। वे और किताबें पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि लड़कों को अपने गर्लफ्रेंड्स में तीन खूबियां चाहिए होती है। पहला वो काइंड हो, दूसरा वो केयरिंग हो, और तीसरा वो खाना बना सके। एंजू को लगता है कि उसमें ये तीनों गुण है, बस दिखाने की जरूरत है। रात को एंजू तुच्ची के लिए खाना बनाने लगती है। साकुरा उसके फुल सपोर्ट में है। एंजू को जो कुछ भी पास मिलता है वो सब उसमें भर भर कर डालने लगती है। अगले दिन जब एंजू टुचिडा को उसका बनाया हुआ डिश देती है तो डिश के हुलिये को ही देख टुचिडा काफी घबरा जाता है। उसे पता नहीं कि वो उसे कैसे खाए। तुच्ची पूछता है कि तुमने इसमें क्या डाला है। एंजू कहती है कि ढेर सारा प्यार। बेचारे तुच्ची को ना चाहते हुए भी मजबूरन खाने बैठना ही पड़ता है। वह एक निवाला उठाकर मुंह में डालने ही वाला होता है कि अचानक वह रोने लगता है और कहता है कि मुझसे यह नहीं खाया जाएगा। इस पर एंजू कहती है कि तुम खा सकते हो, भले ही ये अजीब दिख रहा है पर यह बहुत टेस्टी है। या कहते हुए वह जैसे ही एक निवाला उठाकर अपने मुंह में डालती ही है कि उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। टेस्ट तो खराब था ही था, बल्कि उससे उसका पेट भी खराब हो जाता है। बाथरूम में जाकर ही उसकी जान छूटती है। तभी तुच्ची को अपने इतने पास देख एंजू से रहा नहीं जाता और वह उसे किस करने के लिए होठों को बढ़ाने लगती है। इस पर तुच्ची कहता है कि उल्टी करने के बाद कौन किस करता है। बाद में तुच्ची एंजू से पूछता है कि तुमने मेरे लिए लंच बनाने का क्यों सोचा। इस पर एंजू कहती
जरूरी है क्योंकि मैं जल्दी से बड़ी होना चाहती हूँ। तुम्हें बड़ी लड़कियाँ पसंद है क्यों? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब यामामोटो सेंसेई के साथ हमारा लव ट्रायंगल भी रिजॉल्व हो जाएगा। इसे सुन तुच्ची चौंक जाता है। आखिर इसे कैसे पता कि मैं यामामोटो के लिए क्या फील करता हूँ? फिर तुच्ची एंजू को समझाता है कि बड़ा होना आसान नहीं है, तुम्हें काम करना पड़ता है और सबको साथ रखना होता है। जब तुम बड़ी होगी तो तुम यूं ही किसी को आई लाइक यू नहीं बोल सकती। एंजू इसे ध्यान से सुनने लगती है। फिर वह कहती है कि क्या बच्चे भी प्यार कर सकते हैं? तुच्ची सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि इस बारे में मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम जिससे भी प्यार करोगी वो बहुत ही खुशनसीब होगा। इसे सुन एंजू काफी खुश हो जाती है और जंप करते हुए तुच्ची से गले मिलती है। तभी कुछ बच्चे तुच्ची को खेलने के लिए बुलाते हैं। अगर वो उनके साथ खेला तो वे उसे वीडियो गेम्स की कुछ ट्रिक्स बताएंगे। इसे सुन तुच्ची भागते हुए उनके साथ चला जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। उन्हें साथ खेलते देख एंजू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुच्ची सच में एक अडल्ट है। अगले सुबह यामामोटो सेंसेई को दिखाया जाता है जो सुबह सुबह उठकर अपने और अपने भाई के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। फिर वे दोनों ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। उनके पिता ने उनका हालचाल जानने के लिए मेल किया था। वे अपने बच्चों के प्रति काफी ज्यादा केयरफुल हैं। तभी यामामोटो अपने मम्मी और पापा को मन ही मन याद करती है। फिर वह डिसाइड करती है कि आज वह उन्हें मेल द्वारा अपने दिन भर की सारी बातें बताएगी। फिर वह अपने काम के लिए निकलती है। वह किंडरगार्टन में सबसे पहले आकर अपना काम शुरू कर देती है, पर हमेशा की तरह तुच्ची आज भी सबसे लेट है, जिसे देख बाकी टीचर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर यामामोटो प्यारी से मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती है। यामामोटो बच्चों को बहुत प्यार करती है। बच्चे भी उसके क्लास को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। बाद में जब वह क्लास करवा कर जा रही होती है तभी तुच्ची उसे फॉलो करने लगता है। उसके पास एम्यूजमेंट पार्क की तो टिकट है। वह इसके लिए यामामोटो को पूछना चाहता है। वह मन ही मन कहता है कि मुझे इसके लिए उसे फोर्स नहीं करना है बल्कि बिल्कुल कैजुअल बिहेव करना है। फिर वो यामामोटो के पास जाता है और इधर उधर की बातें करके अपने मूल टॉपिक पर आता है और कहता है कि एक्चुअली मुझे कहीं से दो एम्यूजमेंट पार्क की टिकट मिली है। अब यहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? इसे सुन यामामोटो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी पीछे से बच्चे तुच्ची का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वह जरूर यामामोटो सेंसेई को प्रपोज कर रहे हैं। इसे सुन तुच्ची थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। तभी यामामोटो कहती है कि कल एंजो भी एम्यूजमेंट पार्क जाने की इच्छा जाहिर कर रही थी। मुझे काफी खुशी होगी कि तुम मेरी जगह एंजो को अपने साथ ले जाओ। एंजो इससे काफी ज्यादा खुश होगी। बेचारा तुच्ची सकपका जाता है। उसे पता नहीं कि वह आगे क्या कहे। वह ठीक है कहकर वापस चला जाता है और उदास होकर कोने में बैठकर रोने लगता है। इधर जब एंजू को यह पता चलता है कि तुच्ची ने यामामोटो सेंसेई को डेट के लिए ऑफर किया तो इसे सुन एंजू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और गुस्सा भी। वह यामामोटो के साथ लड़ाई करने के उद्देश्य से उसके पास चली जाती है और कहती है कि सेंसेई मुझे आपसे बात करनी है। यामामोटो उसके पास आती है। तभी एंजू कहती है कि मैं तुच्ची को लाइक करती हूँ। यामामोटो भी कहती है कि मैं भी तुच्ची को लाइक करती हूँ। फिर वह आगे कहती है पर मैं तुम्हें भी लाइक करती हूँ। इसे सुन एंजू चौंक जाती है। वह यामामोटो को बस देखती रह जाती है। फिर एंजू को यामामोटो पर प्यार आ जाता है और वो उसे कहती है कि सेंसेई मैं भी आपको लाइक करती हूँ। यह कहते हुए एंजू काफी खुश होती है। पर थोड़ी देर बाद एंजू सोचती है कि आखिर ये क्या हो गया। घर जाते हुए यामामोटो रास्ते में सबको गुड इवनिंग विश करते हुए जाने लगती है। यामामोटो के ऐसे स्वभाव के कारण सभी उसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। फिर वह घर आकर अपनी आज की सारी बातें अपने मम्मी और पापा को मेल करती है। मेल करने के तुरंत बाद ही उसे उसके पापा का कॉल आता है। वे तुचिता के बारे में उससे पूछताछ करने लगते हैं कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं। इस पर यामामोटो उन्हें रिलैक्स करते हुए समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक अच्छे दोस्त हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उधर कुसानो सेंसेई और कावासिरो सेंसेई के साथ तुचिता एक रेस्टोरेंट में आया हुआ है। वे वहाँ उदास तुच्ची को समझाते हुए कहते हैं कि यामामोटो ने तुम्हारे साथ पार्क में जाने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसने तो एंजू को खुश करने के लिए ऐसा किया ताकि उसकी पार्क में जाने की इच्छा पूरी हो सके। वे आगे कहती है कि यामामोटो बहुत ही भोली है, प्यार के मामले में वो काफी बेवकूफ है। चाहे कोई भी लड़का उसे कितना भी हिंट दे, उसे लगता है कि ये प्यार नहीं बल्कि दोस्ती है। उसे लगता है कि कोई भी उसे प्यार नहीं कर सकता। वह इस तरीके के इशारों को समझने में काफी ज्यादा कमजोर है। इसे सुन तुच्ची काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है, पर वो इस समस्या में फंस जाता है कि आखिर वो अपना प्यार उसे कैसे महसूस कराए। अगले एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। साइन आउट।